दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान के फेमस गट्टे जो कि बेसन से बनते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। कई लोगों के लिए ट्रिकी होता है बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बनाना बहुत आसान है। तो हम चलो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में बेसन लिया है, उसमें डाला है नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, सौंफ डाली है, इसके बाद डाला है मैंने हल्दी पाउडर चुटकी भर, ये अजवाइन डाली है और हींग, इसके बाद अ पिंच ऑफ सोडा एंड मस्टर्ड ऑयल। सो इन सबको अच्छे से मिलाएंगे हम पहले हाथ से, जैसे मैं मिला रही हूँ उसी तरीके से एक बार आपको मिलाना है। पानी डालना है, अभी पानी बाद में हम डालेंगे क्योंकि हमें देखना है कि ऑयल जो हमने डाला है वो काफ़ी है क्या। तो इस तरह मुट्ठी बना के हम ऐसे देख लेंगे, यानी मुट्ठी बन रही है मतलब कि हमारा ऑयल काफ़ी है इसमें, इतना ऑयल काफ़ी है। तो अभी बस इसमें डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है, हाथ में ले लेके थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि जैसे हम ग्लास से पानी डालते हैं ना तो फिर ज़्यादा हो जाता है, पतला हो जाता है फिर वो, तो इसलिए हाथ से आराम से पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा डो हमें बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही रखना है। तो बस इस तरह का डो हमारा बन के तैयार हुआ है। देखो बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत टाइट भी नहीं है, इस तरह का डो बना लिया है। इसके पोर्शन कर लेते हैं छोटे छोटे और फिर इनको शेप दे देंगे हम, और इनको उबलते हुए पानी में ही हमको डालना है। एक बार पानी बॉईल हो जाए फिर हम अपने गट्टे इसमें पानी में डाल देंगे। तो देखिए सारे गट्टों की शेप मैंने बना ली है, इस तरह रोल कर लेंगे, और पानी मैंने उबलने पहले ही रख दिया था। तो बस अब गट्टे को इसमें डाल देंगे और करीबन मीडियम फ्लेम पे इसको हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो गट्टे अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे जब पक जाएंगे, तो 15 मिनट इसको लगेंगे। तब तक हम गट्टे जब हम फ्राई करेंगे उसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी में नमक लिया है और ये लिया है मैंने मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया और ये कुछ हरी मिर्च है वो भी मैंने काट के इसी में डाल दी है, हींग डाली है फिर से, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के भिगाने रख देंगे हम पहले ताकि मसाला फूल जाए। तो बस इसको एक साइड हम रख देंगे। अब इस तरह आपको मसाला तैयार कर लेना है, इससे कलर भी अच्छा आता है और मसाला फूल जाता है तो सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह गट्टे हमारे ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब हमारे गट्टे पक चुके हैं और करीबन 15 मिनट आपको पकाने ही है तब आपके गट्टे पकते हैं। तो देखिए गट्टे पक गए, इस पानी जो बचा हुआ है इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम जब हम सब्ज़ी फ्राई करेंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट है, काटने पर भी आप देख ही सकते हो, तो गट्टे एकदम सॉफ्ट बने हैं। बस इनको कट कर लेते हैं और उसके बाद हम सब्ज़ी फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम गट्टे फ्राई करेंगे, मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, उसको गर्म कर लिया है और एक बार हम गट्टे फ्राई कर लेंगे। कभी आप अगर ऐसा हो कि आपके गट्टे टाइट भी हो गए हैं तो उनके इस तरह मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लो आप, तो उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर टाइट नहीं रहेंगे वो। और फ्राई नहीं करना है तो भी आप बना सकते हो गट्टे की सब्ज़ी। तो सेम कढ़ाई में मैंने गट्टे फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने जीरा डाला इसमें, अजवाइन डाला है और इसके बाद मैंने डाला इसमें गार्लिक, जिंजर और जो मसाला था वो मैंने डाल दिया। मसाले को अच्छे से पकाऊंगी मैं, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी दही। तो मीडियम गैस को एकदम कम कर लें आप, लो कर लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दही डालें। तो इस तरह बस चलाते जाएं जल्दी जल्दी ताकि दही हमारा फट ना जाए। तो देखिए इस तरह, तो दही डाल दिया है मैंने इसमें, करीबन चौथाई कटोरी या आधा कटोरी आप दही डाल दीजिए इसमें, थोड़ा खट्टी होगी सब्ज़ी तो अच्छी लगेगी वो। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं दही डाल रही हूँ इसमें और गैस का फ्लेम याद रखना है कि कम ही हो। देखिए इस तरह सब्ज़ी दही को अच्छे से कम 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसके बाद इसमें मैं गट्टे ऐड करूंगी। देखिए गट्टे ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें और बस इसके बाद इसमें जो हमारा पानी था वो पानी हम इनमें ऐड कर देंगे। तो पानी, वो बचा हुआ पानी था वो हमने ऐड कर दिया है इसमें पूरा। अब अच्छे से उबलने देंगे इसको, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। गट्टे की सब्जी थिकनेस में भी बनती है, मतलब उसकी ग्रेवी वाली, लेकिन वो मैंने यहाँ नहीं बनाई है,
अक्सर मैं ये इसी तरह बनाती हूँ गट्टे की सब्ज़ी, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। आप बनाइएगा एक बार, आपको बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा सा गरम मसाला बहुत अच्छा टेस्ट देगा इसमें। तो बस सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है, गार्निश कर लेते हैं इसको धनिया के साथ। देखिए आप भी बनाइए।